एक वुमनहुड की बात करती हूँ, वुमन एम्पावरमेंट हम मनाते हैं ठीक है, वो एक स्पेसिफिक डे दे दिया गया है 8 मार्च, बट वुमेन एम्पावरमेंट की हमें जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। अगर हम वुमेन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, कितने हद तक इंडिपेंडेंट हैं, किस हद तक हम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं, क्या मैं अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले रही हूँ, या मैंने अपनी लाइफ के बारे में अपने बारे में कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, या मैंने अपनी ही बागडोर पहले उसको हाथ में क्यों दी, मैंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी लिमिटेड बाउंड्रीज क्यों नहीं बनाई उस टाइम पे जब मेरी लाइफ ड्रैग हो रही थी, जब मेरी लाइफ जा रही थी। सो टुडे व्हाट आई एम सेलिब्रेटिंग विद ऑल ऑफ यू इज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माई लाइफ। आई मूव्ड आउट ऑफ माई हाउस एंड आई गॉट डिवोर्स्ड एंड टुडे इज 1 ईयर ऑफ डिवोर्स। ये कॉन्सेप्ट एक भी सबसे बड़ा है कि हम जेंडर बायस बहुत है। जब वुमेन का जन्म होता है, एक लड़की का जन्म होता है, तो पहले उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और वहां जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी डेस्टिनी, उसका लक, उसकी तकदीर कहा जाता है कि यही तेरी डेस्टिनी है, अब यही है, यही तेरी प्रॉब्लम्स जो है वो तुझे सफर करना है। उसके बाद कोई और सुनने वाला नहीं होता और ना ही कोई उसकी तकलीफ जानने वाला होता है। वो घुट घुट के मर रही है, वो अंदर ही अंदर सफर कर रही है, पर वो बता नहीं पा रही है बिकॉज वो साइलेंटली सफर कर रही है। वो साइलेंस जो है वो एक केज में रह जाती है। उस पिंजरे को अगर हम अल्टीमेटली अपने ही हाथों से अपना ही पिंजरा लिखते हैं, अगर वो सहते रहेंगे देखो, एक साइलेंस एक दिन ब्रेक होगी, या तो वो ऐसे ही चले जाएगी इस लाइफ लाइन से, या वो साइलेंस को तोड़ेगी। सो अगर हिम्मत होती है वुमन में बहुत ज्यादा, इफ शी अवेकन्स हर ओन इनर पावर, शी कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। Women achievers the world is very first world being conferred on within the thought. She's a certified karmic leader, ICF certified transformation life coach and business model. Single mother with a special child, she has unleashed her potential and raised the mass to women as a woman. A sister, and at times a stranger. Being a woman in the world is not at all easy. There is a woman, a great duty, and a greater power comes. When we are faith in women, a great emotion. Thank you so much. We all have that power. That power, I think, that unleashed word is very important. सबसे पहले बिकॉज वी ऑल हैव द पावर विद इन, जो हम थ्राइव नहीं कर पाते, जो हम एक्चुअली जी नहीं पाते हैं, और पूरी जर्नी हम ऐसे ही निकाल देते हैं और अंदर ही अंदर घुट घुट के जीते हैं। अगर इफ वी आर सफरिंग, इफ वी आर फीलिंग दैट कि हमारी ये डेस्टिनी कुछ और है, और आपको बार बार इनर कॉलिंग आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट माय लाइफ, प्लीज रेज योर वॉइस, क्योंकि बिकॉज बहुत सारी वुमेन हैं जो डिप्रेशन में चले जाती हैं, जो एंजाइटी के इश्यूज होते हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बट अंदर ही अंदर वो उनको कुछ और ही लग रहा होता है कि वो घुट रही है, वो अंदर ही अंदर भूल नहीं पा रही है। सो fortune will favor those who are daring. बहुत स्पेशल लेडी को बुलाना चाह रही हूँ, शी इज माई फ्रेंड लेडी सिंगम। सो दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ अ वुमन इज, कि अगर उसकी शादी के बाद उसकी सपोर्ट में पेरेंट्स हैं ठीक है, बट द थिंग इज उसका सपोर्ट सिस्टम इतना अगर कमजोर है या उसकी स्ट्रेंथ इतनी कमजोर है, तो वो वहीं के वहीं या तो यहाँ रह जाएगी या वहां रह जाएगी, राइट। या तो वो अपनी ताकत को पहचान ले, अपने अंदर इतनी विल पावर इतनी स्ट्रांग कर ले कि मैं अपना मूव आउट करके क्या करने वाली हूँ अपनी जिंदगी में आगे, या मेरी लाइफ कोई और चलाने वाला है, तो दैट नीड्स टू बी वो उस लाइफ में पहले ही प्लान करके चले।